गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, या आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो आप सभी को पता होगा ही सही। अभी एक न्यू अपडेट आया है, डिसलाइक का बटन को रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब डिसलाइक बटन रिमूव हो जाएगा। व्यूअर्स को नहीं दिखेगा कि कितने डिसलाइक आए हैं मेरे वीडियो पर, वो सिर्फ हम देख सकते हैं। YT स्टूडियो में जाके हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने डिसलाइक मिले हैं, पर वहाँ पर हमने वीडियो जो अपलोड किया है उस पर शो नहीं होगा कि कितने डिसलाइक मिले हैं। तो ये अपडेट तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और सर्च करके पता लगाया गया कि कोई भी बंदा है वो वीडियो बनाता है तो लोग उसको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड भी नहीं देखते और डिसलाइक देके चले जाते हैं। तो उनका पूरा मोटिवेशन, मतलब हमारा जो न्यू क्रिएटर्स हैं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमको डिसलाइक मिलते हैं तो। पर उनका तो यही रहता है कि बस हमको डिसलाइक देना है, उनको वीडियो के कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं रहता कि वीडियो का कंटेंट अच्छा है या नहीं है। उनको वीडियो के कंटेंट से तो कोई मतलब रहता नहीं है, बस वो अपने हेटर्स रहते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, इनका कंटेंट अच्छा है, वो अपने को पसंद नहीं करते। जो भी मान लो यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर से डिसलाइक सभी को मिलता है, बट किसी को ज़्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता। ये हमारे हेटर्स होते हैं जो हमको डिसलाइक देते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। तो ये अपडेट हमारे लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है और न्यू क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि डिसलाइक मिलता है। हम भी आप भी एक वीडियो अपलोड करते हैं, कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सबको पता होगा ही सही, मुझे भी पता है। वो एक क्रिएटर ही समझ सकता है, जो छोटा यूट्यूबर्स होता है वही समझ सकता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर इसको एडिट करो और अपलोड करते हैं, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड नहीं होते और डिसलाइक दे देते हैं। तो लोग उस वीडियो में देखते क्या है ऐसा, मुझे ये समझ भी नहीं आता। उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो अच्छी है या बुरी है। अगर वीडियो अच्छी नहीं है आप डिसलाइक दे रहे हैं तो वो बात मैं मान रही हूँ, बट वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, फिर भी आप डिसलाइक दे रहे हैं तो वो हमारे हेटर्स हैं जो हमसे नफरत करते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि हम आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें। खुशी के लिए हमको डिसलाइक दे के जाते हैं और वो हम कोई डीमोटिवेट हो जाता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कितने डिसलाइक मिल रहे हैं। बट छोटे यूट्यूबर्स होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, जो भी हैं सबको थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं हम कि यार इतनी मेहनत करते हैं हम, फिर भी हमको डिसलाइक मिल जाता है, हमारे कंटेंट में ऐसी क्या गलती है। हम सोचते हैं फिर उस टॉपिक के बारे में, शायद हमने टॉपिक अच्छा चूज़ नहीं किया, शायद हमने थंबनेल अच्छा नहीं बनाया, या फिर हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया वीडियो को, इसलिए हमें डिसलाइक मिल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ लोग हमसे नफरत करते हैं, वो ऐसा करके चले जाते हैं, उनको खुशी मिलती है और अब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये अपडेट मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा ये अपडेट। मुझे तो अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपडेट कैसा लगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि क्या अपडेट है। बहुत सारे को ये अपडेट अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे तो बहुत पसंद आया ये अपडेट, क्योंकि डिसलाइक मुझे भी बहुत मिलते और मैं सोचती हूँ कि यार मेरे कंटेंट में ऐसी क्या मिस्टेक है, मेरे वीडियो में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे इतने डिसलाइक मिल रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये अपडेट सुनकर। आपको कितनी खुशी हो रही है, या फिर आप भी सैड हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है अपडेट सुनकर, तो बताइए कमेंट में ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye-bye.